हाय दोस्तों, मैं हूँ अतीक अहमद और मेरे साथ एक दफ़ा फिर हैं कामरान अली शर। और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कामरान अली टीवी। अच्छा दोस्तों, आज जिस वीडियो पे हम रिएक्शन करने जा रहे हैं उस वीडियो का नाम है, टाइटल है टॉप 10 टॉलेस्ट स्टैचूज इन इंडिया। और ये वीडियो भी टॉप 10 हिंदी चैनल से ली गई है। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और हमारे लिए वाकई बड़े मतलब एक अमेजिंग और एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इंडिया टॉलेस्ट स्टैचूज, इंडिया के टॉलेस्ट स्टैचूज जो हैं वो कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ पे होंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो और उसके बाद हम बात करेंगे। फिर ये वीडियो के दौरान में जैसे भूल जाते हैं जो आपको मैं कहता आप नहीं बताते लोग, नहीं मैं एंड में बताऊँगा। ठीक है, देखते हैं क्या बताते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है ज्ञान के एक नए कोश में। दोस्तों, दुनिया में सबसे ऊंची मूर्तियां कौन सी हैं ये तो हमें पता है, लेकिन क्या हमें पता है कि भारत में कौन सी मूर्तियां सबसे बड़ी हैं? चलिए आज बात करते हैं भारत की सबसे बड़ी स्मारक तथा मूर्तियों की। भारतीयों की सभ्यता और भव्यता का सच में दुनिया में जवाब नहीं। दोस्तों, ये अनोखी मूर्तियां बनाने में जिनका योगदान रहता है उनकी कला को हमारा सलाम। ये मूर्तियां हमारी संस्कृति और इतिहास का परिचय कराते हुए मन में उन महान हस्तियों के प्रति कृतज्ञता जागृत रखती है। दोस्तों, इसमें से कई मूर्तियां बरसों साल पहले की हैं, लेकिन आज भी इस वातावरण में टिकी घड़ी हैं। इससे हम ये कल्पना कर सकते हैं कि हमारे पूर्वज पूरी बुद्धि, विज्ञान और गणित का सही इस्तेमाल करके इतनी सुंदर कलाकृतियां बनाते थे जिनको देख के आज के बड़े बड़े इंजीनियर भी चौंक जाते हैं। हमारे संस्कृति में मूर्ति पूजा का एक अलग महत्व है। मूर्ति पूजा से भगवान तथा महापुरुषों की सगुण स्वरूप से भक्ति की जाती है। चलिए जानते हैं कि सबसे बड़ी मूर्तियां तथा स्मारकों के बारे में। 10. बसव मूर्ति। भगवान बसव एक समाज सुधारक थे जिन्होंने जाति व्यवस्था विरुद्ध संघर्ष किया था, लेकिन कुछ विदेशी तज्ञ इस बात को झूठा ठहराते हुए कहते हैं कि बसव के काल में जाति व्यवस्था स्थापित ही नहीं थी और बसव नाम का कोई व्यक्ति भी नहीं था। लेकिन हमारा इतिहास सबूत देता है इन महान विचारों को। उन्होंने अपनी रचनाओं से रचनाओं को वचन कहा जाता है। भगवान बसव लिंगायत समाज के प्रेरणा हैं। कर्नाटक के बसव कल्याण जिले के 33 मीटर ऊंचाई की ये मूर्ति दुनिया में भगवान बसव की सबसे ऊंची मूर्ति है। इसकी ऊंचाई 33 मीटर है और ये साल 2014 में पूरी हुई थी। 9. दमन जोड़ी की हनुमान मूर्ति। ओडिशा राज्य के दमन जोड़ी में 33.1 मीटर की ये हनुमान जी की मूर्ति दुनिया में हनुमान जी की दूसरी सबसे बड़ी मूर्ति है। ये 2017 में पूरी हुई थी। एक हाथ में गदा और दूसरे हाथ में आशीर्वाद देते हुए इस मूर्ति का आविष्कार देखने के लिए पर्यटक दूर दूर से आते हैं। पुराने काल में वानर जाति हुआ करती थी जिनमें से एक हनुमान जी थे और संपूर्ण वानर जाति ने भगवान राम को अपना जीवन समर्पित किया था। 8. आदियोगी शिव। इस मूर्ति की विशेषता ये है कि दुनिया में छाती के ऊपर मुख तक की ये एकमेव सबसे बड़ी मूर्ति है। ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज की गई है। तमिलनाडु स्थित कोयम्बटूर में 34.2 मीटर की इस मूर्ति को बनाने के लिए 500 टन स्टील का इस्तेमाल किया गया था। ये मूर्ति योग का प्रतीत करती है क्योंकि भगवान शिव योग के पुरस्कर्ता थे। इस कारण इस मूर्ति को आदियोगी नाम प्रदान किया गया है। वास्तविक में भगवान का रूप एक विशिष्ट गुण का प्रतीक माना जा सकता है। 7. शिव ऑफ मुरुडेश्वर। भगवान शिव की भारत में सबसे बड़ी और दुनिया में दूसरी बड़ी मूर्ति कर्नाटक राज्य के मुरुडेश्वर जिले में देखी जाएगी। भगवान शिव की सबसे बड़ी मूर्ति नेपाल में स्थित है। मुरुडेश्वर शिव मूर्ति की ऊंचाई 37 मीटर है। इसका काम 2006 में पूरा हुआ था। इस मूर्ति के पास ही एक मुरुडेश्वर का बहुत पुराना मंदिर भी है। इसको बनाने के लिए लगभग 2 साल लगे। सूर्य का प्रकाश सीधे मूर्ति पर पड़े ऐसे इस मूर्ति की रचना की गई है। इस मूर्ति के चारों हाथों को सोने से सजाया गया है। रावण की आत्मलिंग पाने की कथा तो हम सबको ज्ञात है।
गणेश जी ने आवाज न आने पर लिंग जमीन पर रखा। इससे संतप्त होकर रावण ने शिव लिंग के टुकड़े किए और माना जाता है कि उसमें से एक टुकड़ा मुरुडेश्वर पर गिरा था। छह, पद्म संभव मूर्ति। गुरु रिंपोछे जी की 37.5 मीटर ऊंचाई की यह मूर्ति हिमाचल प्रदेश के लेवलसर गांव में पाई जाएगी, जो 2012 में पूरी हुई थी। गुरु रिंपोछे 8वीं सदी के तांत्रिक बौद्ध धर्म के प्रसारक थे, जिन्होंने भूटान और तिब्बत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऐसा कहा जाता है कि मंडी अर्शधर नामक राजा को जब ये पता चला कि उनकी पुत्री ने गुरु पद्म संभव से शिक्षा ली है, तो उसने गुरु पद्म संभव को चिता में जला देने का हुक्म दिया, क्योंकि उस समय बौद्ध धर्म अधिक प्रचलित नहीं था और इसे आशंका और भय की दृष्टि से देखा जाता था। उसी आदेश पर एक चिता बनाई गई जो 7 दिन तक चलती रही। इससे वहां एक झील बन गई, जिसमें से एक कमल के फूल में से गुरु पद्म संभव एक 16 साल के किशोर के रूप में प्रकट हुए। ये झील आज के रिवालसर शहर में है, जो हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में स्थित है। 5, ध्यान बुद्ध मूर्ति। ये मूर्ति आंध्र प्रदेश के अमरावती गांव में स्थित है और इसकी ऊंचाई 38.1 मीटर देखी जाएगी। ये मूर्ति साल 2015 में पूरी हुई थी। इसकी ऊंचाई की वजह से ये मूर्ति विजयवाड़ा हैदराबाद हाईवे से भी नजर आती है। ये मूर्ति कृष्णा नदी किनारे स्थित है। इस मूर्ति के तल में एक म्यूजियम, जिसमें बौद्ध धर्म का महत्व और इसके कुछ प्रसंगों को बहुत सुंदर कलाकृति से दिखाया गया है। ये मूर्ति जिस 8 खंभों पे खड़ी है, वो बौद्ध धर्म के अष्टांग मार्ग को प्रतीत करती है। इस साल आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा इस मूर्ति के आगे एक थीम पार्क बनाने की योजना अमल आने वाली है। 4, तथागत स्थल। सिक्किम के रावंगला जिले में एक बुद्ध पार्क है, जहां पे भगवान बुद्ध की 39 मीटर ऊंचाई की मूर्ति देखी जाएगी, जो साल 2013 में पूरी हुई थी। इस जगह को तथागत स्थल में भी जाना जाता है। तथागत शब्द का इस्तेमाल भगवान बुद्ध ने खुद के लिए किया था। इसका अर्थ है तथा, यानी कि जैसे आया, और गत, यानी वैसे ही चला गया। दलाई लामा से लेके सारी बड़ी हस्तियां इस मूर्ति का दर्शन करने आ चुकी हैं। 3, थिरुवल्लूर मूर्ति। तमिलनाडु राज्य के कन्याकुमारी में 40.5 मीटर ऊंचाई की ऋषि तिरुवल्लूर की मूर्ति पाई जाएगी। तिरुवल्लूर एक तमिल कवि तथा तत्वज्ञानी थे। इस मूर्ति की विशेषता ये है, इसके तल में तिरुवल्लूर द्वारा रचित तिरुकुरल ग्रंथ के 133 श्लोक मूर्ति पर देखने को मिले। इसके तल में, जो कि 11.5 मीटर का है, उस पे 38 श्लोक देखने को मिलेंगे, जो गुणों का वर्णन करते हैं, और मूर्ति पर बचे 2 घंड का वर्णन किया गया है। उनकी 3 अंगुलियां, अरम, पोरुल और इनबम नामक 3 विषय, यानी नौतिकता, धन और प्रेम के अर्थ को प्रतीत करती हैं। 2, वीर अभय अंजने हनुमान स्वामी। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में स्थित इस मूर्ति की ऊंचाई 41 मीटर होकर साल 2003 में इसे बनवाया गया था। दुनिया में जितने भी हनुमान जी की मूर्तियां हैं, उनमें से ये सबसे ऊंची कहलाई जाती है। दोस्तों, ये माना जाता है कि भगवान शिव जी की समाज को सेवा धर्म का पाठ सिखाने के लिए हनुमान के रूप में अवतारित हुए थे। भीम को अपने सामर्थ्य पर होने वाला अहंकार हनुमान जी ने कैसे उतारा था, ये कथा तो हम सबको ज्ञात है। 1, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। हम भारतीयों के लिए सबसे बड़ी गर्व की बात है कि इस साल गुजरात में बना हुआ सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का स्मारक केवल भारत में नहीं, पूरी दुनिया का सबसे ऊंचा स्मारक कहलाया जाएगा। इसका अनावरण 31 अक्टूबर को प्रधानमंत्री जी से किया गया। इसकी ऊंचाई 182 मीटर, यानी कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से 2 गुना ज्यादा है। इस स्मारक का काम 2013 में शुरू हुआ था और इस स्मारक को 2,990 करोड़ रुपए का खर्च हुआ। भारत को एकजुटता में बनाए रहने का संकल्प करने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के स्मारक को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी नाम से जाना जाएगा। दोस्तों, ये मूर्तियां ना ही केवल पर्यटन के उद्देश्य से बनाई हैं, ये हमें
अध्यात्म, योग, शांति और मोक्ष पाने की सीख देती हैं। इन स्मारकों को बनाने पर समाज में विविध मतभेद रह चुके हैं। कोई कहता है कि मूर्तियों के ऊपर इतना खर्च करने से अच्छा गरीबों पर किया जाए, लेकिन अगर हम गौर से इसे देखें तो समझ आएगा कि ये मूर्तियाँ बनाने के लिए हजारों कामगारों की जरूरत पड़ती है और इससे उन्हें रोजगार प्राप्त होता है। केवल कामगार ही नहीं तो मूर्ति का इलाका एक पर्यटन स्थल बन जाता है। इससे इलाकी लोगों को अधिकाधिक रोजगार की प्राप्ति होती है। पर्यटन का भी बहुत असर देश की GDP पर पड़ता है और हमारा पर्यटन ऐसे ही स्मारकों तथा मूर्तियों से बढ़ेगा। दोस्तों, तो ये है भारत के सबसे बड़े आविष्कार। आपको हमारा ये वीडियो कैसा? अच्छा कामरान भाई, मुझे ये बताएं ये कौन थे जो नंबर यहाँ ये? हाँ, ये असल मैंने भी इसका, मुझे शुरू से तो आइडिया नहीं था। हमने वो एक इंडिया का एक ड्रामा आता है सोनी सब पे तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तो मैं वो बड़े शौक से देखता हूँ। तो एक किस्त में ना, एक एपिसोड में ये लोग वहाँ जाते हैं ना, तो मुझे भी इसका आइडिया नहीं था उस टाइम पहले, जब ये वहाँ जाते हैं तो ये मूर्ति मैंने तब वहाँ देखी थी, तो ड्रामे में देखी थी, तो तब मुझे याद ये उसी बंदे की है। वैसे इसके बारे में मैंने वैसे टीवी शोज थोड़े मैंने देखे, तो इसके बारे में बहुत कुछ कहते हैं कि ये भाई यूनिटी का एक वो था, यानी कि बहुत, ये मेरे ख्याल ये शायद कोई ऐसी शख्सियत है जो मतलब हिंदुस्तान, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान के सेपरेशन के मामला चल रहे थे, तो वो एक होते हैं ना मतलब आजादी के लिए काम करने वाले लोग, कोई मुझे ऐसा, मुझे तो इतना खैर नहीं है। दोस्तों, आप में से अगर कोई हमें बता सकें कि ये सरदार क्या नाम है? वल्लभ भाई पटेल। इस नाम में कोई गलती हो रही है तो सॉरी। तो इनके बारे में हमें थोड़ा सा बताइएगा, ये हमें थोड़ी सी क्यूरियोसिटी है कि ये कौन थे, इनका क्या किरदार था। रिएक्शन पहला मेरा इसीलिए था कि मैंने वो देखी थी, इसलिए मैंने कहा क्योंकि वो देखी थी। वो कह रहे थे कि पूरे इंडिया में सबसे बड़ी जो है ना ये बनी होती है, वो इन्हीं की बनी हुई है, और ये बनी हुई भी ऐसी जगह पर है, या कोई झील है या कोई समुंदर है, बिल्कुल किनारे पर बनी हुई है। एक साइड से वो समुंदर है, झील नज़र आती है, एक किनारे पर ये बनी हुई है। वो पूरा एपिसोड मैंने देखा था, उधर मुझे पता चला था कि ये ऐसा है। बहरहाल काफ़ी अच्छी वीडियो लगी और देख के काफ़ी अच्छा भी लगा, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे। 33 से शुरू हुई थी मेरे ख्याल में, और 33 से शुरू हुई थी, उसके बाद जाके ये 41 पे लास्ट जो मूर्ति थी वो 41 पे थी, और उसके बाद सरदार भाई पटेल, ऐसे ही नाम बड़ा थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, नाम अट्रैक्टिव नाम है, अट्रैक्टिव नाम है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिएगा, सरदार वल्लभ भाई या वल्लभ भाई, ऐसा ही है वल्लभ भाई मुझे यही लगता है। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके साथ साथ स्क्रीन पे आपको हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप अकाउंट्स के नजर आ रहे होंगे, उनको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो तक आपसे हम इजाज़त चाहते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।